हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीएसयू बैंक के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, आईडीबीआई बैंक के ऊपर। यहाँ पे सरकार कल बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ने कल मीटिंग बुलाई है और यहाँ पे कल इस बैंक के ऊपर बहुत बड़ा स्टेक सेल के ऊपर फैसला आ सकता है। तो इस तरह की खबरें अभी अभी जस्ट निकल करके आ रही है। मुझे लगता है ये बैंक कल आपको रॉकेट बनता हुआ डेफिनेटली नजर आ सकता है। तो वीडियो के साथ बने रहे, पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ कौन से लेवल को पकड़ करके और आगे क्या टारगेट रखना चाहिए वो भी इसमें बात करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्री वाली टेलीग्राम चैनल का भाग नहीं बने हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप बिल्कुल फ्री वाली टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे बताया कि मिल जाएगी। तो अभी बात करेंगे कि आईडीबीआई बैंक की आज की क्लोजिंग किस तरह की रही। आज देखिए इसमें बढ़िया धमाकेदार तेजी दिखाई दी। तो दोस्तों लास्ट के ओवर में यहाँ पे अच्छी मूवमेंट दिखाई दी है और यहाँ पे दिया है कि आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। लगभग लगभग 5.5% की तेजी के साथ ये 34 रुपए के आसपास बंद होता हुआ आपको दिखाई दिया है। पिछले कुछ समय की बात करें तो 1 वीक में 10% बच चुका है। पिछले 1 महीने में हालांकि अभी भी 2% डाउन है। पिछले 6 महीने में 34% की गिरावट, 2022 में 28% और 1 साल की टाइम हॉरिजन पे अभी भी 11% की नेगेटिव रिटर्न है। परंतु कल यहाँ पे अगर प्राइवेट एजेंसी के ऊपर यहाँ पे कुछ फैसला आ जाता है, जो कि कल मीटिंग है और निर्मला सीतारमन के बीच, तो यहाँ पे इस बैंक में बहुत बड़ा धमाका डेफिनेटली होने की संभावनाएं है। तो पूरी जानकारी बताने के लिए यहाँ पे वेबसाइट पे लेके आया हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री विल होल्ड मीट विद द आरबीआई ऑन जुलाई 14, मतलब कि कल, डिस्कस स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल ऑफ आईडीबीआई। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल के रिगार्डिंग ही कल यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई की मीटिंग है। तो यहाँ पे मीटिंग को यहाँ पे बुलाने का फैसला फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया है और यहाँ पे आप देख सकते हो की पॉइंट्स की, जैसे मैंने बताया यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री टू सिक्स रिलैक्सेशन फ्रॉम आरबीआई होल्डिंग लिमिट बाय द पीई फंड्स इन द आईडीबीआई बैंक। तो दोस्तों स्टेक सेल करना है पर स्टेक लेगा कौन? यहाँ पे विदेशी पीई फर्म और यहाँ पे विदेशी निवेशक ही यहाँ पे इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए इच्छुक है। तो इसी के चलते आरबीआई के पास कुछ रिलैक्सेशन मांग रही है निर्मला सीतारमण, जिसके चलते यहाँ पे पीई फर्म को लिमिट ज्यादा दी जाए होल्डिंग की और यहाँ पे जो पीई फर्म को जो स्टेक सेल करने वाली प्रोसेस है वो इजी हो जाए, इसके लिए ही कल मीटिंग है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी डिसाइड किया है कि क्वांटम स्टेक सेल करेंगे, मतलब कि एक साथ सब नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके स्टेक सेल यहाँ पे पीई फर्म और विदेशी निवेशकों को बेचा जा सकता है। इस मुद्दे पर ही कल मीटिंग है आरबीआई और निर्मला सीतारमण की, जो कि यहाँ पे कल बुलाने का फैसला किया है। तो मुझे लगता है इस खबर के चलते कल आईडीबीआई बैंक में बड़ी यहाँ पे उठक पटक रह सकती है। मुझे लगता है अच्छा डिसीजन आते ही यहाँ पे रॉकेट भी बन सकता है। तो चार्ट पे ले जाना चाहूंगा और किस तरह की सिचुएशन है वो बताना चाहूंगा। इससे पहले यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन आज की देख लेते हैं। तो एनएसए की वेबसाइट पे लेकर के आया हूँ। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड 34 रुपये पे क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोजिंग 32 रुपये 35 पैसे, ओपन 32 रुपये 50 पैसे, हाई 34 रुपये 30 पैसे का, लो की बात करें 32 रुपये 20 पैसे और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 33 रुपये 85 पैसे। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो भी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। 1,25,00,000 शेयर की ट्रेडिंग, 42,00,000 शेयर की डिलीवरी और हालांकि परसेंटेज डिलीवरी बढ़िया है, 34% के आसपास की इसमें नजर आ रही है। सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और यहाँ पे कल कौन से लेवल के आसपास आते ही आपको बाइंग और सेलिंग की सिचुएशन देखनी है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक का चार्ट आपके सामने है। पिछले कुछ समय की बात करना चाहूंगा। पिछले 2 महीने में देखें तो लगातार गिरावट की सिचुएशन है और लो लो की सिचुएशन है और यहाँ पे बात करें कहीं ना कहीं 30 रुपीज़ के आसपास, जी हाँ यहाँ पे देख सकते हो 30 रुपीज़ के आसपास राउंडिंग टॉप बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे बात करूँ, एक हडल बना हुआ था 32 रुपये के आसपास का, उसको तोड़ दिया है और 34 रुपये के आसपास की क्लोजिंग आई है। मुझे लगता है इमीडिएट जो हडल है वो 35 रुपये के आसपास है, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस जोन भी है और 50 डे की मूविंग एवरेज भी है। वंस यहाँ पे 35 रुपये के ऊपर सस्टेन करने लगा तो मुझे लगता है 38 रुपये 50 पैसे और 41 रुपये के टारगेट मुझे लगता है वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इसी वीक में आपको दिखाई दे सकते हैं, अगर कल की मीटिंग का आउटपुट अच्छा आया तो। तो 38 रुपये 50 पहला टारगेट, 41 रुपये दूसरा टारगेट, 35 रुपये के ऊपर कल निकलते ही आपको डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनानी है। आप शॉर्ट टर्म में लेना चाहो तो 32 रुपये के एसएल के साथ इसमें बने रह सकते हो। जब 32 रुपये के आसपास अभी सपोर्ट है तो इसके एसएल के साथ आप 41 रुपये तक के लेवल को प्ले करने के लिए इसमें डेफिनेटली पोजिशन शॉर्ट टर्म में बना सकते हो। बाकी थोड़ी लंबी अवधि के लिए भी लेना चाहो तो भी कोई बुरा बैंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेक सेल का जो प्रोसेस है धीरे धीरे इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 50 के लेवल के आसपास भी वेरी शॉर्ट टर्म में आपको ये दिखाई दे सकता है।
तो वॉल्यूम में अच्छी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, RSI का लेवल भी 58 के आसपास है। तो सिचुएशन तो यहाँ पे टेक्निकली बात करें तो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली ए मोमेंटम को प्ले इसमें किया जा सकता है, परंतु तो अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही आपको यहाँ पे अपना फाइनल डिसीजन लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।